बजे बैठक है, हाँ कुछ समस्या है तो समाधान तुम्हें कल बोली हो तो बोली ठीक है, वो कर लू कर। कल बात कर रहा हूँ, ठीक है देख चुका है, तो अभी ठीक मैं जय श्री से बात करवा दूँ। हाँ है। अच्छा ओके। ध्रुवे से, ओम प्रकाश ध्रुवे से, और जिला अध्यक्ष से कि हमें उसको रिलीव नहीं करना है कह के, बाकी ऊपर फिर हम वो कर लेंगे कह गोपनीयता तौर से, कारण कि नारद भारत का पता न चले, है ना। तो नंबर भेज दिए तुम्हें? तो ये नंबर मिल जा। नहीं जा, फोन पे नंबर दूसरा। हाँ, भेज दे तुम। नर्मदा नाम से है ना, हाँ नर्मदा। नर्मदा हमारे भने जन के ही चलाओ तो। अच्छा उनके खाते से ना। आओ हाँ तो उनके हम तो ट्रांसफर कर रहे हैं मेरे। एक बार मैं फल फूल ले रहा हूँ, एक दिन केला इला तो उनके खाते में डाल रहा हूँ। वह खाते में ना। वह खाता भी मैं अभी दे दिए थे ना, तो व्हाट्सएप भेज दिए ना, हाँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यह है। यह मोहारी खामा में पोस्टेड है, ANM के पोस्ट में है, जो समनापुर विकासखंड में आता है। उसको हेम सिंह राजपूत मंडल अध्यक्ष के द्वारा गलत शिकायत करके और ट्रांसफ़र जो है मेहदवानी करवा दिया गया था, और उससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। और इसके संबंध में मेरे जिला अध्यक्ष से भी मिला था, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। पैसे भी दिए जी, उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये पैसे की मांग किया था। उन्होंने तो बोला था कि कितना दे सकते हो, पर मैंने बोला कि भाई छोटे कर्मचारी हैं, कम ही दे पाएंगे। तो बोला 20,000 दो। तो मैंने फिर 15,000 रुपये उसके भांजे के खाते में ट्रांसफ़र किया था। किसके, कौन है तुम? नर्मदा प्रसाद उसका भांजा है, मड़िया रास का। तो उसने उसने नंबर दिया था, मंडल अध्यक्ष कौन है, हेम सिंह राजपूत, कौन सी पार्टी का नेता है? ये BJP का है। अब मैं भी BJP के सक्रिय सदस्य हूँ। ये अभी कल परसों से जो मेरा ऑडियो वायरल किया जा रहा है उसमें मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। आज कल जो वीडियो वो ऑडियो वायरल किया गया है, मैंने ऐसा कोई बात नहीं किया। दो तीन बार चैन के द्वारा मुझे फोन लगाया गया और बात भी मेरे उससे किया गया, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग इस तरीके साजिश करेंगे। उनके बहन का जो ट्रांसफ़र हुआ था उस ट्रांसफ़र के बारे में रुकवाने की बात कर रहे थे। मैंने बोला मैं ये ट्रांसफ़र नहीं रुकवा सकता। उन लोगों ने दो चार लोग जो मेरे विपक्षी हैं, विरोधी, जो चुनाव में भी मेरे विरोधी थे और मेरे महामंत्री के भी विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे लोग द्वेष पूर्वक चैन से साठ गांठ कर एक दो दिन बात करके उस जो रिकॉर्डिंग है उसको काट पीट कर कहीं नर्मदा तो कहीं किसी का पैसा का लेन देन ऐसा काट छाट कर, और ये साजिश पूर्वक ये मुझे बदनाम करने के लिए ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचे हैं। मैं इसकी जानकारी पुलिस थाना समनापुर में भी दिया हूँ, और जांच के लिए मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इसकी संपूर्ण जो क्रियाकलाप है और जो ऑडियो को छेड़छाड़ कर उसको बनाकर जो मीडिया में दिया जा रहा है उसका जांच होना चाहिए, और जांच में जो भी सत्यता पा जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से कल जो ऑडियो मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैंने भी सुना है, और उसमें मैंने संबंधित मंडल अध्यक्ष को नोटिस भी हमारे कार्यालय के द्वारा दिया गया है, उस ऑडियो की जांच भी कराई जाएगी, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, राजनैतिक षड्यंत्र की वो भी इसमें आ रही है, और मेरे नाम का जो दुरुपयोग किया गया है निश्चित रूप से यह एक षड्यंत्र है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष भी मेरे पास आया था, और मीडिया मित्रों से मेरा आग्रह कि उस पीड़ित पक्ष से भी उसका विषय लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने केवल न्यूज जो ऑडियो सुनकर और एक तरफा वन साइडेड न्यूज लगा दी है, जबकि उसमें पीड़ित का भी पक्ष लेना था, मेरा भी पक्ष लेना था, और कहीं ना कहीं इसमें एक तो ऑडियो की जांच कराना और राजनीतिक षड्यंत्र भी है, यदि कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। सर मंडल अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष के लिए हमने कार्यालय से उनका पक्ष के लिए स्पष्टीकरण के लिए उनको नोटिस जारी किया है। तो अगर कुछ अगर
सत्यता पाई जाती तो क्या? निश्चित रूप से सत्यता पाई जाएगी तो हम प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराएंगे और उसमें प्रदेश नेतृत्व जैसा निर्देश करेगा वैसी कार्यवाही करेंगे।